कि या इलाही तू हमें आमले कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमले कुरान कर दे, फिर नैसरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को ज़रा ताबे कुरान कर दे। अब मैं बिला ताखीर दावा देता हूँ फजीलत शेख हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहब हाफिज़हुल्लाह ताला कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस मजलस से ये खिताब फरमाएँ और कुरान पाक की किरणों को बिखेरें। अल्लाह ताला हम सब को कुरान को अपनाने की, कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन बलोच सर। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته सलाम का जवाब इंज आया है कि जिमें रात दे त्राए बज गए, हालांकि वजे दौ त्राए तो वजे वजे कोई नहीं, यानी थोड़ा सलाम का जवाब देना बड़ा ढिला जा, तो उच्ची उच्ची सलाम का जवाब लैमण का मैं वल भी बड़ा, थोड़ी जरूरत ही नहीं कि तुम उच्ची बोलो ही ना, वेख लो अल्लाह के मेहमान आ, मेहमान को इतना रोब नहीं पाना चाहिए आवाम से, पर मैं पा लिया अगर अल्लाह ने थानू हाथ दिते तो सज्जा हाथ खड़ा करे वो बंदा जेड़ा लूला नहीं, उच्ची करो सीधा करो, वो थले रखे जेड़ा लूला है, दोवे हाथ उच्ची आखो अल्लाहु अकबर, अजय चस नहीं आई, अल्लाह की कदर करो जिमें कदर कर हक है, फिर कहो अल्लाह हू अकबर, अजय चस नहीं आई खड़े हो के आखो अल्लाह हू अकबर, फिर आखो अल्लाह हू अकबर, फिर आखो अल्लाह हू अकबर, जल्दी जल्दी बह जाओ अगे गया अल्लाह इंदा फायदा बड़ा है, इंदा फायदा पता की होया, जेड़े सुते पयान जाग पे तो जेड़े जागते पयान जिन्हां नूं जगह नसण वास्ते नहीं सी मिल रही उन्हां नूं भी, तो जिन्हां नूं अंदर वास्ते जगह नहीं सी मिल रही उन्हां नूं भी, इस वास्ते ये ठीक होया जो होया, अल्लाह की तारीफ हुई है। लो जी हुण सलाम का जवाब अगर फिर नहीं दोगे तो मैं फिर खड़ा कर देंगा, हुण कोई ये सुस्ती का मुजहरा न करे, जेड़ा इस्लाम उच्चा है उच्चा सलाम का जवाब चाहिए, अस्सलामु अलैकुम, खुश किया हुण आई अच्छा हूँ मैं उंज की तकरीर करा जिंद की तुसी चाहते हो, कौड़ी करनी है कि मिठी, अगर कौड़ी आखो तो तुम्मा कट के खवा देना, अगर मिठी आखो तो मैं शहर दे बोतल भर भर के तेरे बोझे च पा देना, हूँ जिमें तुसी आखो दरम्यानी मिठी ना मिठी करना क्योंकि शुगर ना हो जाए, ना कौड़ी करना कि अखा से असर ना हो जाए, मैं करना जिमें निमक पारा नहीं होगा, ना मिठा ना कौड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाह मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह ومن يزلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله
وحدہو لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہو ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد प्यारे भाइयों टाइम काफी हो गया मैं तमीदा च जांदा ही नहीं सात बच्चियां ने आज कुरान पढ़ के संदा लिया इनाम ले कैसा प्यारा एक काम है कुरान पढ़िया फिर कुरान इनाम लिया सुभान अल्लाह ना पढ़िया जे क्योंकि मेरा मैं लगता है पिछले साल मिंचना बाद जबान आने लब्बे आना गूंगिया दे पेश पै गया उची बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह वास्ते जो तो बंदा पढ़ता है तो गूंगे नु भी जबान मिल जाती है तो गूंगे पर पढ़ो उची प्यारे भाइयों सात बच्चिया ने कुरान पढ़े उन्होंने संदा मिली पहले मैं दुआ करना उस मां बाप नू जिन्ना दे बेटे ने आज कुरान वाला बने कुरान तो बड़ी किताब कोई नहीं जो कुरान हिफ्ज कर गया याद कर गया उस इंसान तो बड़ा कोई इंसान कोई कुराने करीम एडी उच्ची किताब है असमाना तो किताबा किनिया नाजल हुई हैं किनिया नाजल हुई हैं चार के 104 समझ नहीं आई मैं इधर 100 किताबा आई 100 किताबा आई जो रब ने इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला लिखे है कि 100 किताब असमाना तो मुख्तलिफ नबियां ते नाजिल होइयां छोटियां छोटियां भी वड़ियां वड़ियां किताबां प्यारे भाइयों उन्ना 100 किताबां दा खुलासा चार किताबां जनाब ने लिखे है तौरात में इंजील में जबूर में और कुरान और चार किताबों का खुलासा रब ने लिखे सिर्फ कुरान में कुरान 100 किताबों का खुलासा है अजे भी सुभान अल्लाह कोई नहीं वेखी जाते रखी गल उच्ची ना बोलिया जे कदी बारिश रब की रहमत ना आ जाए क्योंकि रहमत की जरूरत कोई नहीं उच्ची बोलो हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह बोल बोल ना जिद करो थोड़े नाल ते अरबी चंगे आण कि मैं मक्के दे अंदर तकरीर की थी अरबी सुभान अल्लाह पढ़न लग गया प्यारे भाइयों कुरान 100 किताब जो रब ने मुख्तलिफ नबियां ते नाजिल कीती आईयां उन्ना 100 किताबां दा खुलासा कुरान पाक है इस वास्ते कुरान की शान सबसे ज्यादा अगली गल कुरान का खुलासा कुरान का भी कोई खुलासा है कुरान का खुलासा सूरत फातिहा है सब पढ़ो सुभान अल्लाह ओ सूरत फातिहा का भी कोई खुलासा है एक बारी एडवांस सुभान अल्लाह पढ़ते ने भी दस दिया 100 किताब का खुलासा कुरान में
वास्ता इयाका नबुदु व इयाका नस्तईन। एडी वड्डी आयत है, 100 किताब दा खुलासा, बल्कि कुरान दा खुलासा और सूरत फातिहा दा खुलासा। इस एक आयत दे अंदर क्या शान है रब दे कुरान दा। फातिहा दी शान बड़ी है, एक पासे 113 सूरत है। अल्लाह ने सारिया सूरतों मिला के वड्डा कुरान नहीं आख्या, पर जदों सूरत फातिहा दी गल आई वाला कद आका सब नरमसानी वल कुरान अजीम। हकली सूरत फातिहा नु रब ने कुरान अजीम आख्या, वड्डा कुरान फातिहा है। मेरे प्यारे भाइयो, फिर फातिहा दे अंदर अल्लाह ने इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। अल्लाहु अकबर। हुण इहदा खुलासा, फातिहा दा तर्जमा, इस आयत दा तर्जमा मैं करन लगा। ओ की है मुश्किल कुशा खुदा है, हाजत रवा खुदा है। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। मुश्किल कुशा खुदा है, हाजत रवा खुदा है। मुश्किल कुशा खुदा है, हाजत रवा खुदा है। सजदा हराम लोको बिन रब दे मां सिवा है। इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन दा तर्जमा है, मुश्किल कुशा खुदा है, हाजत रवा खुदा है। सजदा हराम लोको बिन रब दे मां सिवा है। नहनु अकरबु इलैही मिन हबलिल वरीद इज़ा सअलक इबादी अन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलियस्तजीबूली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह फरमा रहा मैं करीब हाँ। अल्लाह कितना करीब है, लाहौर भी करीब है उकाड़े नू। अल्लाह तू कितना करीब है, अल्लाह मुल्तान भी करीब है उकाड़े नू। अल्लाह तू कितना करीब है, मिंचनाबाद भी करीब है उकाड़े नू। अल्लाह तू कितना करीब है, कराची भी करीब है उकाड़े नू। अल्लाह तू कितना करीब है, अल्लाह आए मसीद मेन दरवाजा भी करीब है। अल्लाह तू कितना करीब है, ऐ अल्लाह तू कितना करीब है। हालांकि अल्लाह पता बैठा किथे है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। अल्लाह तेरा महल ते बड़ा दूर है, सतवें आसमान उत्ते बैठा अल्लाह, लेकिन अल्लाह दा मैं करीब आ। मेरा इलम तेरे करीब है, इलम दे तबार नाल, कुदरत दे तबार नाल, ताकत दे तबार नाल, हकूमत दे तबार नाल, कंट्रोल दे तबार नाल, मैं तेरे करीब आ। अल्लाह कितना करीब है, मैं सात मारा तेन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अल्लाह दे वे महन वे करबुई लई मिल हबलिल वरी। ता मैं कह रहा
نحن اقرب الیہ من حبل الورید علم لبدا سیڑی بندہ بڑا عجیب ریتاں تے ٹر دی کیڑی ریتاں تے ٹر دی کیڑی ریتاں تے ٹر دی کیڑی تے ٹھمکے او سن رہا ہے ہاتھ چوک کے اچھی آواز نال سبحان اللہ بول دو پیارے بھائیو جس ذات نے قرآن عطا فرمایا ہے او ذات لا ریب ہے جس فرشتے نے قرآن لے کے آیا ہے او فرشتے ہیں جو لا ریب ہے ہائے جڑے نبی دا قرآن آیا ہے او سارے نبی چو لا ریب ہے او کون نبی ہے ہائے میرا مٹھا نبی اچھا نبی سونا نبی پیارا نبی اخلاق والا نبی رحمت والا نبی میرا نبی چلے قرآن بنے سونا نبی اٹھے قرآن بنے پیارا نبی بولے قرآن بنے میرا نبی گرمیاں سمے قرآن بنے سردیاں سمے قرآن بنے میرا نبی مکہ دی گلیاں چلے قرآن بنے پیارا نبی مکہ مدینے جان قرآن بنے غار چ جان قرآن بنے بدرے جان قرآن بنے احد چ جان قرآن بنے خندق جان قرآن بنے ہائے ہائے عرش تے جان قرآن بنے آپ سان قرآن بنے اللہ میرا نبی مکیو مدینے جان قرآن بنے یا مدینے مکے آن قرآن بنے امی عائشہ دے حجرے جان قرآن بنے زلفا کھولے قرآن بنے منہ چ بولے قرآن بنے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ ایک واری تے مہمان راضی کر کے رحمان راضی کر لو سارے ہاتھ چوک کے اچھی بولو پھر بولو اچھی بولو او سونا بولو چس نال بولو ہن میں تیرا انشاءاللہ اتنی واری سبحان اللہ جڑی لئی ہے ایندا مول پا دینا ہائے کنیا شانا والا نبی ہے دن حشر نو سجد کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجد کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجد کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ور گئے گنہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیاں نے نا کرنی جدو کل نبیاں نے نا کرنی جدو کل نبیاں نے نا کرنی کلے رب دے سجن نے ہا کرنی جدو کل نبیاں نے نا کرنی کلے رب دے سجن نے ہا کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجد کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک کے اندیاں لوکی ویکھن گے چک چک کے اندیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا اچھی نہیں بولے ہن میں بریک لاؤں گا جی ہن میں آکھنا بھی کوئی نہیں ہن بس بریک لا لینی ہے بس تھک جاتی اذان تک بریک لگ جائے گی ایک واری ہولی ہولی بولو ہاتھ چوک کے بولو او جیڈا نبی نال پیار ہے اوڈا بولو چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے شان والا کیوں آیا
जद सोने हमद दे झंडे नू बिस्मिल्ला पढ़ के उठा लेना दिन हशर नू सजद कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना। आखिरी जुमला इस नात दा एक बारी टैट होके सुभानला पढ़ लो लोग उठन बुला रहे मिंतला बाद शेरी ही किवे ना बोले बेशक है जन्नत बहु सोनी बेशक है जन्नत बहु सोनी बेशक है जन्नत बहु सोनी पर उस दिन उस ते उरूजो सी पर उस ते उरूजो सी जिस दिन उस वेत जिस दिन उसवेद जिस दिन उसवेद जिस दिन उसवेद मेरे आका ने सने यारां दे डेरा ला लेना। मैनू हौली मैनू हौली हौली आंदे सी उमर फरूक अकानी साहब उन्हें मैनू पांच एक मौजू दिते आन अगे मां की अजमत ही सुना दो किसे दी नहीं मननी अल्लाह दी मननी है या नबी दी मननी है दिल दी नहीं मननी नबी दी मननी है बीवी दी नहीं मननी नबी दी मननी है चौधरियां दी नहीं मननी नबी दी मननी है दिल दी नहीं मननी नबी दी मननी है माशरे दी नहीं मननी नबी दी मननी है बच्चियां दी नहीं मननी नबी दी मननी है कौम दी नहीं मननी नबी दी मननी है। ये भी एक बड़ा बड़ा उनवान है लेकिन मैं केड़ा केड़ा बयान करा फिर ये भी कहा गया सी कि कुरान दी शान भी सुनानी है पढ़न वाले दी सुनानी है ते नबी दी भी शान सुनानी है। एक जलसे दे अंदर एक घंटे दे अंदर पांच मौजू यासीन बलोच किवें सुनाएगा वाह जी वाह चस आ गई है जी बंदे उठ गए बड़ी गल चस आ गई उठ गया बंदा जी उठ गया एडा उच्ची नारा मार रहा ले एडा उच्चा ही शान अता करे क्या मतलब। प्यारे दोस्तों मेरे भाइयो जेड़ी जात कुरान लेके आई है ओ भी ला रे बे जेड़ी जात कुरान आया है ओ भी ला रे बे जिन्ना शहर कुरान आया है ओ शहर भी ला रे बने ओ जिन्ना दे सिग्ने कुरान महफूज होया है हाय ओ भी ला रे बने खई رکم من تعلم القرآن وعلمه کسے نو پروٹوکول نمبردار دے رہے کسے نو پروٹوکول چودھری صاحب دے رہے کسے نو پروٹوکول ایم پی اے دے رہے کسے نو پروٹوکول ایم این اے دے رہے کسے نو پروٹوکول وزیر اعلیٰ دے رہے کسے نو پروٹوکول وزیر اعظم دے رہے کسے نو پروٹوکول صدر دے رہے کسے نو پروٹوکول کوئی شیخ الحدیث دے رہے کسے نو پروٹوکول علامہ دے رہے کسے نو پروٹوکول سنی دے رہے کسے نو پروٹوکول وہابی دے رہے کسے نو پروٹوکول دیوبندی دے رہے کسے نو پروٹوکول بریلوی دے رہے کسے نو پروٹوکول شیعہ دے رہے کسے نو پروٹوکول کوئی ولی اللہ دے رہے کسے نو پروٹوکول کوئی دے رہے آئے کیا شان ہے قرآن پڑھن والے دی اور قرآن پڑھن والے دی انہ دو جماعتاں نو پروٹوکول کون دے رہے آئے جیڑا اللہ تو بعد ساری دنیا تو بہت بڑا ہے ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਖੈਰੁਕੁਮ ਮਨ ਤਅੱਲਮਲ ਕੁਰਾਨ
ਵਲਮਹੂ प्यारे सोने नबी ने फरमाया दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग ने लेकिन कुरान पढ़ने वाले तो वड्डा कोई नहीं, कुरान पढ़ने वाले तो वड्डा कोई नहीं, कुरान पढ़ाने वाले तो वड्डा कोई नहीं, हर जगह शान कुरान वाले दी है। हाय मेरे प्यारे भाई उधरा गौर करिया है, आओ मैं एक गल सुनावा तो तेरा दिल ठार दिया। प्यारे ओ आलमे दुनिया के अंदर भी शान कुरान वाले दा है और आलमे बरदख के अंदर भी यानी कबर वाला नजा वो कबर के अंदर भी शान कुरान वाले दा है। आलमे हशर के अंदर कयामत वाले दिन भी शान कुरान वाले दा है। आओ जरा मैं दलीला देवा, जरा गौर करिया है मेरे सोने उमर का दौर है। हाय कौन उमर नंगी तलवार उमर, कौन उमर शेर बहादुर उमर, कौन उमर नबी दी पसंद उमर, कौन उमर अल्लाह दा प्यारा उमर, कौन उमर नबी पाक दी दुआ उमर, कौन उमर ओ प्यारे ओ नबी दा मुरीद उमर, सोने नबी दी मुराद उमर, कौन उमर अल्लाह अकबर। जेड़े बाजार च गुजर जावे शैतान राह छड़ जाए, सारी दुनिया डरे इबलीस तो पर क्या शान उमर दा, उमर तू डरे, हाय उमर तू डरे इबलीस। तुम्हें यारो ओ यार उच्ची ना बोले अजे रहमत दी बारिश ना आ जाए। तुम्हें यारो मुबारक हो, तुम्हें यारो मुबारक हो, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खताब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खताब आया। खुदा से मैंने मांगा था, खुदा से मैंने मांगा था, खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। एक बार उच्ची बोलो ओ बारले बंदे हो तुसी भी आज खड़ा करके उच्ची बोलो माशाल्लाह। तहद्दे निगाह मजमा नजर आ रहे है, बड़ा वड्डा जलसा हो रहा है, अल्लाह कामयाब कर छड़े है। जरा गौर करिया है, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खताब आया, खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। वो आया है तो आने दो बिछा दो पल के राहों पर, वो पहला सा नहीं लगता न करो शक निगाहों पर, वो आया है न जाने को खुदा का इंतखाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खताब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खताब आया। मेरी सलाह लाने से ये छत कर क्यों इबादत हो, मेरी सलाह लाने से ये छत कर क्यों इबादत हो, पड़ेंगे आज काबा में वो रोके जैसे की ताकत हो। उड़ा दूंगा उड़ा दूंगा उड़ा दूंगा बसर उसका कुफर का जो नवाब आया। उच्ची बोलो तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खताब आया। अगला जुमला बड़ा कमाल है और तुसी मेरे चलन वाली जमात नहीं, तुसी मेरे ना चलन वाले होंगे, इन्ना जोर मेरा ना लगता पर तुसी तो पता नहीं पांच पांच चुप दे कैबजूल किसी अकीब को खा ले। शुजाऊ का शुजा आया, शुजाऊ का शुजा आया, शुजाऊ का शुजा आया, शुजा अपने सलामी दी, शुजाऊ का शुजा आया, शुजा अपने सलामी दी, फांसी पर सवाल आया, शराफत ने सलामी दी, जबर टूटा जबर टूटा जबर टूटा मिट्टी जुलमत, जबर टूटा मिट्टी जुलमत, अदल का आया फताब आया।
हाय हाय कैसा उमर, कैसा आला उमर, हजरत उमर दा दौर है ते आदनो सारे आ गयो जंगलर मदीने दा गवर्नर कौन है। हजरत उमर नु जवाब मिलया इब्ने अब्दा, प्यारे उमर कहन गए ओ इब्ने अब्दा कौन है, अखे गुलाम है। हजरत उमर गरम हो गए, अखा सुरख हो गई, चेहरा लाल हो गया, कहन लगे इडिया शाना वाला मदीना है, ओ जिस शहर दे अंदर एक वली सुत्ता आवे उस शहर नू बड़ा दुनिया चंगा जानती है। मामू कांजन दे अंदर सूफी अब्दुल्ला अल्लाह दा वली सुत्ता पिया है, लोग मामू कांजन नू बड़ा अच्छा जानद। लाहौर दे अंदर अल्लाह दा वली सुत्ता पिया है, दुनिया बड़ा चंगा जानती है। ओ गुजरांवाले दे अंदर अल्लाह दे तीन वली अल्लाह सुत्ते पए ने, दुनिया बड़ा चंगा जानती है। हाय कामोखी दे अंदर अल्लाह दे दो वली सुते ने, एक हबीबुर रहमान यज़दानी एक शाह अब्दुल गनी, और लोग बड़ा चंगा जानते। अल्लाहु अकबर। ते जिस शहर दे अंदर सिद्दीक सुता है ते आमना दा सोना चादा तबका दा सरदार सुता है, शाना वाला शहर है। ओ मेरे प्यारे हो, तुसी गुलाम नू क्यों गवर्नर बनाया है? ओ ये ते मदीने दी शान ही नहीं, ऐडा उच्चा मदीना होवे, मदीना शहर होवे, उमर दी हुकूमत होवे, सुत्ता सिद्दीक होवे, सुत्ता मेरा मुहम्मद पाक होवे, एक जन्नत दा एक टुकड़ा जमीन दा ऐसा होवे। दुख बड़ा दिता ने, जवाब आया या अमीर उल मोमिनीन, एक गल साडी गरीबां दी, ओ तेरा मुल्कां दे बादशाह वा, एक गल साडी भी सुन लो, मोमना दे अमीर साडी गल भी सुन लो, नबी दी दुआ साडी गल भी सुन लो, अल्लाह दी जबान साडी दुआ भी सुन लो। अल्लाह पाक दे ओ चाहत लेके आन वाला साडी गल भी सुन लो, नबी दे मुरीद साडी गल भी सुन लो, नबी दी मुराद साडी गल भी सुन लो, बारो उमर साडी गल भी सुन लो। पर मैं सुनाओ फरमाया भी मने अबदा गुलाम जरूर है, पर मदीने दा बादशाह तां बनाया ओंदे सीने दे अंदर कुरान है। علم القرآن وعلمه ہر جگہ تے شان والا قرآن والا ہے غلام، پر مدینے دا بادشاہ بنیا کیوں؟ او قرآن دی شان ہی بڑی ہے، قرآن نال غریب جڑ جائے تے رب نو سرداریاں تے شانہ دے چھڑ دے۔ آئے ओहती लड़ाई हुई, 70 शहीद हो गए, 70 कब्रां नहीं बनिया। सियाबा कहन लगे सोने नबी जी, फरमाया जी जी। कहन लगे 70 कब्रां कोई नहीं ते शहीद 70 होए पैण, हुण किवें दफनावीए? हालांकि आम बंदा शहीद आवे, आज दे दौर दा शहीद आवे, उनका रुतबा बड़ा है, ते जड़ा सियापी भी होवे रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन उलाइका हिब्बुल्ला अला
ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੱਲਾ ਕੇ ਮੁਰੀ ਮਫਲੀ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਰੱਖ ਹੋਰ ਬੋਲ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਰੱਖ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਆਪਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਆਪਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਰਬਰਾ ਲਾਵੇ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਲਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜਮਾਤ ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਾਬੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਦੌਰ ਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਾਬੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਲੇਕਿਨ ਭੈਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਆਲਮੇ ਬਰਜ਼ਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5374 حدیثاں دا حافظ ہے حضرت ابو ہریرہ ساری عمر بیت اللہ دا حج نہیں کیتا پاکستان وچ حج کرنا ذرا مشکل ہو گیا پچھلے سال 12.5 لاکھ دا حج ہویا ہن 20 لاکھ دا حج ہے ਅੱਲਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਫੀਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਰਸ ਗਿਆ ਹੈ 400 ਲੋਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਤਫੀਕਾਂ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਸਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਸਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਧਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਧਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰੱਖ ਸਰ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਜ਼ ਦੀ ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਹਜ ਕਰੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਹਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਦੀਨੇ ਉਹ ਹਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਹਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੂੰ ਪਾ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਏਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜਾਨ ਕਬਰਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜਦਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੁਤਬਾ ਇਮਾਮ ਉਲ ਹਦੀਸ ਬਣੇ ਦੂਆ ਰੁਤਬਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਤੀਸਰਾ ਰੁਤਬਾ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਸਨ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਡੀ ਨਸੀਹਤ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਓਏ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਵੀ ਕਰ
ते कुरान पढ़ाया भी कर। आदे नबी जी कुरान पढ़ता भी रस्सा, कुरान पढ़ा भी रस्सा, अगर ये पढ़द्या पढ़ाद्या मेरी मौत आ गई ते मेरा की बनेगा। प्यारे नबी बोले, सोने नबी बोले, मिठे नबी बोले, उच्चे नबी बोले, खुल के अजीम नबी बोले, रहमत वाले नबी बोले, ते सोने मोती रोले। एक बारी अडवांस सुबह अल्लाह पर छत ते तेनो नबी दे मोती सुना दियो। और बोलो, हाथ चौके के बोलो। प्यारे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा, कुरान पढ़दिया पढ़ाद्या तेरी कबर बन गई, तेरी कबर ते 70,000 फरिश्ता के रोजाना मगफरत दी ते ओ जन्नत दी दुआ करते रहणगे। एक गल होर सुन लो, कुरान वाला जो कबर च जांदा है ते हर रोज 70,000 फरिश्ता कबरां ते आके दुआ मंगदा है। थोड़ी गल नहीं, हालांकि एक फरिश्ता दुआ दे देवे ते फरिश्तियां दी दुआ रद्द नहीं होंदी। क्यों नहीं रद्द होंदी? किसे फरिश्ते ने रब दी ना फरमानी उन्हें दुआ रद्द नहीं होंगी। 70,000 फरिश्ता आया बुरा तेरी कबर ते आके कियामत तक दुआ करते रहेंगे। कुरान पढ़ना पढ़ाना बहुत बड़ा काम है। ऐवें नहीं मेरे नबी ने कहा था खैरों को, ये सारे मौलवी पढ़ते हैं खैरों को, मैं तो पहले भी कई बार खैरों को पढ़ी गया उससे, लेकिन इनकी पूरी तफसील वजाहत यासिन बलोच तो अलावा कोई कर नहीं। सुनो एक होर दसा खैरों को क्यों वाक्य है। पांच जमातों ने जिन्होंने कबर की मट्टी नहीं खाएगी, सब नू कबर की मट्टी खा जाएगी। चौधरियां नू, वडेरियां नू, कालियां नू, गोरियां नू, अमीरां नू, गरीबां नू, बीमारां नू, शिफा वालियां नू, हर नू कबर की मट्टी खा जाएगी। पांच जमातां ऐसियां ने जिन्हां नू अदाबे कबर की आना है, उन्हां नू कबर की मट्टी खावेगी नहीं। तुसी आखोगे कीड़ियां पांच जमातां? पहली जमात अंबिया दी है। देखो रब रुतबे केड़े दिते, नबी जिवें कबर सुनदा है उवें ही उठाया जाए। कबर दी मट्टी नबी दे जिस्म नूं नहीं खांदी। दूसरी जमात सहाबा दी है, जिवें सहाबी कबरें सुता पे उवें ही उठाया जाए। सुभान अल्लाह, कोई नहीं, मैनू लगता तुसी मुल्तान पहुंच गए हो, इत्थे बैठे कोई नहीं, अखी इत्थे हैं, थोड़ा सोच मुल्तान चली गई है। अगर इत्थे हो एक बारी गज वज के सुभान नहीं पढ़ लो। प्यारे हो, तीसरी जमात शहादा दी है, जिन्होंने जिवें कबरें सवाया जाएगा उवें ही उठाया जाएगा। चौथी जमात औलिया अल्लाह दी है, हाय जिवें दे मियाँ बाकर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दे वलियान, जिवें दे सूफी अब्दुल्ला मामू कानन वाले अल्लाह दे वलियान, जिवें दे हाफिज़ याहिया अज़ीज़ मीर मुहम्मदी अल्लाह दे वलियान, जिवें दे हाफिज़ मौलाना मुइयुद्दीन लखवी अल्लाह दे वलियान, जिवें दे हाफिज़ अब्दुल मनान नूरपुरी अल्लाह दे वलियान, और जिवें दे शेखुल कुरान मुहम्मद हुसैन अल्लाह दे वलियान, और जिवें दे हज़रत हाफिज़ अब्दुल्ला शेखुपुरी अल्लाह दे वलियान, और जिवें दे इला शरीफ इलाहाबादी अल्लाह दे वली वलियान, और जिवें दे हबीबुर रहमान जज़दानी रहमतुल्लाह दे अल्लाह दे वलियान, जिवें दे शाह अब्दुल गनी अल्लाह दे वलियान, जिवें दे खतीबे मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही अल्लाह दे वलियान। हाय जिथे सियापा सुते ने उथे वहाबी सुता होया है, जिथों सियापी उठणगे उथों खतीबे मिल्लत वहाबी उठेगा। क्या शान है, इस तों वध के कोई वली हो सकदा है? सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा।
عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولی اللہ جی میں سوئے گا قبر میں اوویں ہی اٹھایا جائے گا. تسی آکھو گے تیرا موضوع تے قرآن والے دی شان آئی, تو ولی لے جا رہے, نبیاں لے جا رہے, شہداء لے جا رہے, صحابہ لے جا رہے, سانو لگتا تیرا مطالعہ کوئی نہیں. او میں اپنے موضوع تو علیحدہ نہیں, پانچ جماعتاں دسیاں نے جے پانچ پوریاں نہیں ہویاں, چار ہو گئیاں, ہن پنجویں جماعت سن لو. فرمایا قاری قرآن حافظ قرآن جب قبر چوں گا اللہ بول اٹھتا ہے اللہ دا فاوحا ہائے فاوحا الى الارض لا تاكلي لحما. اے قبر جڑا بندہ تیرے کول آ رہے اینو کھانا نہیں, اللہ کیوں نہیں کھانا؟ میں تو ساری دنیا نو کھا رہی ہوں, اینو کیوں نہیں کھانا؟ اللہ دا اینو تا نہیں کھانا, این دے سینے چ میرا قرآن ہے. آئے ہستیاں نو نظر انداز نہ کیتا کر, انہاں نو رب نے قبراں چ وی نہیں دکھ دینا. اور جنہوں مٹی نہیں کھانا انہوں عذاب قبر کی. تیرے کول پانچ پوتر پنجے پوتر حافظ بنا لو, یہ ہے اصل پیو دی محبت. یہاں قبر کل اولادا جانا ہے, یہاں مٹی بھی نہ کھاوے قبر دی, تو جب اٹھنا کہنا بابا تیری عظمت نو سلام. آئے ہائے مرنا ہے کہ کوئی نہیں, کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمر کے چا سجنا, کی مان بیگانی چیز اتے آ جان بیگانی دے, کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمر کے چا سجنا, تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا, تو غافل موت بھلا بیٹھے, تو غافل موت بھلا بیٹھے, دل دنیا نال تو لا بیٹھے, اس دنیا نہ تیرے کمیں آمنا, کتی دنیا کدو وفا سجنا, کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمر کے چا سجنا, اتھے جوڑ امیر غریباں دے, اتھے جوڑ امیر غریباں دے, مل دے کفن وی نال نصیباں دے, انہاں کپڑیاں وچ انہاں کپڑیاں وچ انہاں کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا, اے کپڑے وی لے سن لا سجنا, کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے جا سجنا. میرے تایا جیان فلم دی شہران لوگ آخیا کی حال ہے وڈیری عمر ہو گئی ہے, آدھن کی پوچھتے ہو دوستو حال میرا. فلم دی شہر اس دن پہلی دفعہ میاں کول شیر سنیا ساڈے تایا جی, ادو شیر پورے ہو گئے, ادو عمر بھی پوری ہو گئی, کی پوچھتے ہو دوستو حال میرا, کی پوچھتے ہو دوستو حال میرا, فانی دنیا تو مکھ پوائی جانا, کی پوچھتے ہو دوستو حال میرا, فانی دنیا تو مکھ پوائی جانا, کی منخ کرا اپنی زندگی تے, اسی سال دی عمر نبھائی جانا, کی تاہج گناہ اللہ معاف کرسی,
ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਤੂੰ ਤੇ ਵੈ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪ ਸ਼ਰਮਾਈ ਜਾਣਾ ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਲਾਹੀ ਜੋਗਾ ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਲਾਹੀ ਜੋਗਾ ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਲਾਹੀ ਜੋਗਾ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਹੀ ਜਾਣਾ ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਲਾਹੀ ਜੋਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਲਾਹੀ ਜੋਗਾ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਹੀ ਜਾਣਾ ਕਬਰ ਤੂੰ ਹਨੇਰ ਗੁਬਾਰ ਸਾਵੀ ਕਬਰ ਤੂੰ ਹਨੇਰ ਗੁਬਾਰ ਸਾਵੀ ਨਾਲ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਠੂਏ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਠੂਏ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਠੂਏ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇ ਬੱਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਾਣਾ ਤੱਕਣਾ ਤੂੰ ਦੀ ਹੈ ਆਸ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਸਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਡਾਈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮੇ ਦਰਵੋ ਗਵਾ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪਕਾਈ ਜਾਣੂ ਅੱਲਾ ਮੌਤ ਹੋ ਤੋ ਐਸੀ ਕੈਸੀ ਪਿਆਰੀ ਤਵਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੂਵੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਬਰ ਬੰਦ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਹੈ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਠੂਇਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜੇ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ ਇਨਮਲ ਆਮਾਲੋ ਬਿਨਿਆਤ ਉਸ ਆਪੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਕਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਹੱਜਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਅਖੇ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਪੂਰੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਅਜਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਅੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਰੈਕਟ ਜੰਤੀ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਿਲ ਯਾਨੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਚੰਦਾ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਗੰਦੀ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਵੀ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾ ਦਾ ਲੱਖ ਇੱਕ ਮਲਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਲਕ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆ ਬੱਚਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਬੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਖਰਾਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਬੇਲੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਸ ਖਵਾਰੇ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 7 ਲੱਖ 'ਚ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਇਮਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਚੀਆਂ ਬਖੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 7 ਲੱਖ ਵਰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਯਾਸਿਨ ਬਲੋਚ ਸੁਣ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੁਪਈਆ 20,000 ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਹੈ ਮਸੀਦ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਤਾਲੇ ਬਿਲਮਾ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਾ ਮੰਗੀਏ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਜੇ ਕੰਜਰੀ ਨੱਚਵਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਖੁਸਰਾ ਤੇ 7 ਲੱਖ
हाय मेरे अल्लाह, ये अल्लाह की कदर नहीं है, शैतान की कदर। हो गुनावां दे पैसा ना लाओ, इन्ना बच्चियां ते ला दो, एक कयामत तक सिलसिला कुरान का जारी रखना है, ते कयामत तक तेरे पैसे दी नेकी नहीं जारी रहनी। कोई है थोड़े इच बंदा, अगर मैं ये गल कारी चलो नहीं है ते पैड़ कौन करेगा चंगी मोटी पैड़। आज मैं वेखना चाहना तेरा ईमान कितना कि बंधिया है, कि अगर खुसरे वास्ते मंगिए तो बड़े बड़े दें दे, उत्ते निछावर भी कर दें दे। मैं केडी तकरीर करता रहा, किसने रुपया लिता है, है। लेकिन मेरे वास्ते कोई नहीं, आ तालिब इल्मां दा बड़ा वड्डा अदारा है, बड़े तालिब इल्म पढ़ते बन कुरान दे, ते जरा मेरा दिल दिल किया कि मैं चंदा ही मांग लवा, चलो मैनू भी सवाब मिलसी थानू भी मिलसी। पहल कौन करेगा इस मदरसे दे कुरान वास्ते मंगे अल्लाह के नाम ते मंगे, है शाबाश। बन खो जी लिखो, 5000 मेरा बाबा जी दे रहा है, बड़ी गल है, जल्दी करो, ओ जल्दी कर लो, ओ गुनाह वास्ते दा पैसा बड़ा निकलता है, ओ माशाल्लाह 1000 पे लिखो, 2000 लिखो, ले आओ ले आओ, उठो ले आओ, और जड़ी बहुत जल्द में कोई पूंजी ने सारी ले आओ। एक जगह से ना मैं अपील की थी, ते बंदा अगले दिन रोमेड़ा पे टेलीफोन थे आंदा है कि मैं दिल च ना इरादा कर लिया भाई इस मौलवी दे कहण ते ना मैं चंदा नहीं गया, मुड़ मेरी भी रब ने बद दुआ ते दुआ सुननी तो होंगी है ना, मुसाफिर होया मैं ठड्डा साफ भरिया। अगले दिन टेलीफोन आया, कारी जी माफ कर देना, मैं कहा की होया, कि मेरी बोझ 1,00,000 रुपया सी तो दिता मैं 1,000 भी नहीं तो चोरों ने खो लिया। अगर बंदे को पैसा होवे तो बंदा दीन ते ना ना लावे तो फिर अल्लाह उस पैसे नू जेब च भी नहीं रहन दिंदा। इस वास्ते सारे उठो, अल्लाह के लिए उठो, रब वास्ते उठो, और मेरे प्यारे भाइयों कुरान के लिए उठो। इधर कुरान दे ताले बिना मैं अजकल तुम्हें पता है महंगाई केडी है, तो बारू इन्हों हुकूमत मुल्क तो एडा आदिया भी नहीं। सारे उठो, ले भेजो भेजो भेजो, शाबाश शाबाश, 500 भेज दो, 100 भेज दो, 5,000 भेज दो, जन्नत वास्ते 50 रुपया, थे कंजरी नू देने वास्ते 7,00,000। शाबाश मुसलमानों, अल्लाह थोड़ा भला करे, कोई है थोड़े चो ऐसा बंदा जेड़ा ऐलान करे कि आज मैं कुरान वास्ते भी 1,00,000 लिखा रहा तो कल इंशाल्लाह दे देंगा। कोई है अल्लाह का वली या अल्लाह कोई बंदे नू फरी कोई फरिश्ता भेज दे बंदे की शक्ल है तो सानू 1,00,000 का ऐलान कर दे। कोई है अल्लाह के लिए 1,00,000 देन वाला कुरान नू हदीस नू नबी पाक दे फरमान थे और अल्लाह के लिए? कोई नहीं, मिंचनाबाद के अंदर कोई भी नहीं 1,00,000 रब वास्ते देने वाला। एक बंदा सी थत्था, वो दुआ करने लग पे, अल्लाह अल्लाह मैनु कलोल दे जे कलोल, तो मैं कह रब नू कितना देने के 5 रुपये, रब नू 5 रुपये ते अपनी जात वास्ते कलोल मंगदा, कलोल कमाल भाई जान। एक गल होर सुन लो, जन्नत के दरवाजे कितने बोलो, और कह दो 4 8 ते जन्नत के दरवाजे कोई मुल खरीद सकता है? जन्नत का दरवाजा मुल ले लो, जिमें इरादे बनाओगे रब उमें पूरा उतरेगा। 5,000 का एक दरवाजा सोने का, 5,000 का एक दरवाजा सोने का, लुट लो, कौन लुटेगा? अल्लाह वास्ते, अल्लाह के लिए, कुरान दे तालिब इल्मां वास्ते, और सोने का दरवाजा खरीदने वास्ते कौन उठेगा? 5,000 का नोट भरो, अल्लाह सोने का दरवाजा दे देगा, जिंदी चुड़ाई कराची तो लाहौर गई, अन्नमा बैना मिसरा आई मिम्मा सारी मक्का था वल हजा। कौन उठेगा? उठो, जन्नत के दरवाजे 8 आपा लेने, फिर दुआ मंगनी, जल्दी जल्दी उठो, नहीं उठोगे तो मैं भी बैठा तू भी बैठा, मेरी रेस्ट हो रही है, तेरी नींद लेट हो रही। कौन उठेगा? 5,000 कौन भरेगा?
अज का दौर ही बड़ा महंगा है, 5,000 का तो तोला अद्धा तोला माशा भी नहीं आता। तो जिस बंद 5,000 ना जन्नत का गेट ला बजाए, इस तो बाद कभी कोई इनाम है? पांच बंदे ना लो, चलो 10 बंदे खड़े हो जाओ, दरवाजे जरूर मैं देना चाहना अल्लाह को लेकर थानू, उंज मैं जानता ही नहीं, क्योंकि तुसी मैनू मंगवाया, मेरे मेजबान हो, तो मैं रब को थानू जन्नत लेकर देना चाहता। या पांच बंदे दर या 8 बंदे दर, माशाल्लाह की नाम है जो अन्ना की ना आई, जी शान जिंदाबाद, 5,000 भाई शान ने दे के दरवाजा मुल ले लिया, सुभान अल्लाह पाए। बाकी दरवाजे किन्ने रह गए? 7। या 14 बंदे उठी जाओ या 7 बंदे उठी जाओ, जल्दी करो यार, जल्दी क्यों खपाई खड़े हो? खपाया ना करो, मेहमान निराज हो गया तो अल्लाह निराज हो गया, जल्दी करो। और अल्लाह ने कसम दी है, जब मेरे रब वास्ते कोई देवे ना, अल्लाह ने कसम चाहिए कि मैं उनका रिजक बता दूं। जिन्ना 5,000 दिता है ना बाबे ने, ते शान बच्चे ने, अल्लाह इन्हों 5 करोड़ का मालिक बना। तो जेडे अज हसते पैण ना, वेंदे पैण, अल्लाह इन्हों 5 लाख का बना दे, भावें रुपया 1 भी नहीं दिता, अयो रंगा भी कोई मोर भी चंगा ना बना, अल्लाह इन्हों 5 लाख का मालिक बना दे, भावें तेरे दीन वास्ते उठिंदा ही नहीं पे। हाँ जी, किनिया किन्ने रह गए गेट? 7 ही रह गए, नहीं लैने जन्नत। कोई उधार लिखा दे, लिखा दे, कल दे दे, परसों दे दे, क्यामत में दे दे, चलो साढ़े तो लम्बे सौ दे, गंदम दे दो। महमूद मिंसनाबाद 2,000 जी भाई, है 5, शाबाश, लिखो लिखो लिखो, अगे गंदम आ रही है, इन्हें बच्चों आप खवानी है, कौन देवेगा? उशर उशर उशर, माशाल्लाह। हाजी मुहम्मद इकबाल जोईया आ जरा कोल बैठा है, 25,000 दिन हर महीने, सुभान अल्लाह पढ़ लो यार, फसल के मौके से ना 5,000 दिन। एक बंदा सी, उनकी 8 किले जमीन आई, 8 किले जमीन आई, जड़ा सब तो कीमती उनकी जमीन का किला सी ना, उन्हें आखिया मैं दरा सुन देना, उनके चु निकलिया 50 माण, तो जड़े माड़े माड़े किलिया उन्हें चुन लिया 60-60 माण। रब देंदिया नू कर सब दुआ मंगिए, इंशाल्लाह दुध पीने मजनून, ये ना नहीं देना। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، या अल्लाह जितने आए साहब का सुनना कबूल फरमा, अल्लाह सुनाना कबूल फरमा, अल्लाह जिन्ना भाइयों ने मेहनत नाल कोशिश नाल प्रोग्राम करवाया उन्हां दी मेहनत कबूल फरमा, अल्लाह उमर भाई ने लंबी सेहत वाली ईमान वाली उम्र अता फरमा, अल्लाह जिन्ना बच्चों ने कुरान पढ़िया है हमेशा याद रखने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह इन्ना बच्चों और इन्हां दे मां बाप जन्नत का हकदार बना,
अल्लाह जिन्हों भाइयों ने कुरान वास्ते चंदा दिता है, अल्लाह किसे 100 दिता है तो उन्हें लखा दे, किसे 2000 दिता उन्हें करोड़ा दे, जिन्हें 5000 दिता उन्हें अरबा खरबा का मालिक बना दे। अल्लाह जिन्हें कुछ भी नहीं दिता पूरी उम्र, अल्लाह सारी उम्र उनके घरों खैर बरकत ना खत्म कर दे। अल्लाह उस मजलस विच तो बैठा ही है ना, जिस मजलस विच उस एक भी नहीं दिता करमाड़े, हालांकि बोझे दे विच पैसे। अल्लाह उस बंदे नूं सारी उम्र फकीरी तू तंगदस्ती तो महफूज रखे। अल्लाह उन्हें बरकत नाल नवाज दे जिन्ना एक पैसा भी सानू नहीं दिता माशाल्लाह। या अल्लाह जिन्ना दिता है उन्हें दुनिया ते भी दे और उनका घर जन्नत ते बना। वसल्लल्लाह।